ये सरासर एक सियासी पखंड ये सियासी पखंडी करने में माहिर है और चुनाव की पहले जब उन्हें ये महसूस हो रही है कि नंदीग्राम में उनके लिए मुश्किलें बढ़ रहे हैं तब तो उन्होंने ये सोचा कि अभी एक नोटों की जरूरत है ये पखंडी की ज़रूरत होते हैं तो इसलिए पखंड किया जाता है क्योंकि बंगाल के ममता बनर्जी से ममता बनर्जी नहीं है बंगाल के मुख्यमंत्री भी है और पुलिस मंत्री भी है लेकिन तज्जुब की बात ये होती है कि जब उन पर हमला होती है उस समय कोई पुलिस वाले वहाँ आजू बाजू में नहीं रहते तो इसे आम लोग को सामने और ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि बंगाल के पुलिस मंत्री के साथ पुलिस नहीं है ये किसी को यकीन में आएगा किसी ने इस पर भरोसा करेगा इन बात पर जब सारे नंदी ग्राम में पुलिस ने अपने जाल बिछा दिया अपने सुरक्षा की एक जाल बिछा दिया है सारे नंदी ग्राम में ममता बनर्जी जहाँ ठहरे हुए हैं आजू बाजू चारों तरफ सी सी टी वी कैमरा मतलब फैला गया है चारों तरफ तो इसी हालत में ममता बनर्जी के ऊपर तीन चार युवक नौजवान आए हैं और धक्का दिए हैं और लगे तो लगे चोट पैर में लगे हैं ये किसी को करने का चीज है ये बंगाल की आम जनता उनके लिए कानून स्थिति क्या हो सकती जब बंगाल के पुलिस मंत्री कहती है कि मेरे ऊपर हमला हुई और कोई पुलिस बल नहीं रही इसको तो जवाब कम से कम दिया करें तो इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की स्थिति उनके लिए नाजुक होते जा रहे हैं